भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का कहर जारी है। पिछले दो दिन में यूपी में 17 लोगों, पश्चिम बंगाल में 9, दिल्ली में 1 और मुंबई में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। शनिवार रात मुंबई में मानसून से पहले की बारिश हुई और करंट लगने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के नगर निगम आपदा नियंत्रण कक्ष के मुताबिक मृतकों की पहचान अनिल यादव, सारा खान और ओमकार के रूप में हुई है। अनिल यादव और सारा खान की मौत खिंडीपाड़ा क्षेत्र में एक सड़क पर बिजली की तार की चपेट में आने से हुई, जबकि ओमकार की मौत भानाडू रेलवे स्टेशन के निकट शिवकृपा नगर क्षेत्र में करंट लगने से हुई। वैसे मुंबई में मॉनसून की शुरुआत 10 जून से होती है, लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस साल मॉनसून के पहले 10 तक देने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले सप्ताह तक महाराष्ट्र तट पर मॉनसून स्थापित करने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। मुंबई में बारिश का कहर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 1-10 भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का कहर जारी है। पिछले दो दिन में यूपी में 17 लोगों, पश्चिम बंगाल में 9, दिल्ली में 1 और मुंबई में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। शारा ट्वीट, गूगल प्लस, यूट्यूब। मुंबई में बारिश का कहर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 2-10। शनिवार रात मुंबई में मानसून से पहले की बारिश हुई और करंट लगने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के नगर निगम आपदा नियंत्रण कक्ष के मुताबिक मृतकों की पहचान अनिल यादव 32, सारा खान 09 और ओमकार 10 के रूप में हुई है। शारा ट्वीट, गूगल प्लस, यूट्यूब। मुंबई में बारिश का कहर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 3-10 अनिल यादव और सारा खान की मौत खिंडीपाड़ा क्षेत्र में एक सड़क पर बिजली की तार की चपेट में आने से हुई, जबकि ओमकार की मौत भानाडू रेलवे स्टेशन के निकट शिवकृपा नगर क्षेत्र में करंट लगने से हुई। शारा ट्वीट, गूगल प्लस, यूट्यूब। मुंबई में बारिश का कहर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 4-10। वैसे मुंबई में मॉनसून की शुरुआत 10 जून से होती है, लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस साल मॉनसून के पहले 10 तक देने का पूर्वानुमान जताया है। शारा ट्वीट, गूगल प्लस, यूट्यूब। मुंबई में बारिश का कहर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 5-10। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले सप्ताह तक महाराष्ट्र तट पर मॉनसून स्थापित करने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। शारा ट्वीट, गूगल प्लस, यूट्यूब। मुंबई में बारिश का कहर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 6-10। शनिवार शाम को बदलेपुर, डोंबिवली और कल्याण जैसे ठाणे के बाहरी इलाके में भारी बारिश हुई और थोड़ी देर बाद बारिश मीरा रोड और मुंबई के कुछ हिस्सों जैसे मुलुंड, पवई और बोरिवली में पहुंच गई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मुंबई वासियों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सड़कों पर पानी जमा होने के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम लगा रहा। बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी पड़ा। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान ठाणे जिले में अलग अलग स्थानों पर बिजली, तेज हवाओं और बारिश के साथ आंधी की भविष्यवाणी की। शनिवार को मुंबई में बारिश के चलते कई उड़ानें भी प्रभावित हुईं। वहीं शनिवार को गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश हुई। गुजरात के अमरेली के कई इलाकों में दलदल भरा पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। इसके अलावा शुक्रवार की बारिश में पश्चिम बंगाल में एक दीवार ढह गई थी, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही कम से कम 12 लोग घायल हो गए थे।